वो सस्ते यूट्यूबर है, सस्ते यूट्यूबर। आ जाओ आ जाओ, मुझे बताता हूँ कैसे खेल। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। तो बात करते हैं आज के गेम प्ले वीडियो की। तो आज भाई कुछ ऐसा होता है कि मैं एक रैंडम गेम खेल रहा था, वहाँ पर मेरे ही टीममेट ने मुझे जो रैंडम में ही मेरे पास आया तो उसने मुझे चैलेंज कर दिया, क्योंकि मैंने उसके ही सामने उसका ही किल चुरा लिया। मतलब वो भी उसको मार रहा था और मैंने उसको मार के चुरा लिया। तो खैर मैंने उसको भी समझाया भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो उसने कहा भाई तुम सस्ते यूट्यूबर हो, तुम्हारा यही काम, मतलब इस तरह उसकी उसकी बातें शुरू हो गई। तो फिर फाइनली उसने मुझे चैलेंज कर दिया कि अगर हिम्मत है तो मुझसे रूम खेलो। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ रूम खेलते हैं गेम के बाद। तो फिर वो हुआ जो अब आप देखेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही कमाल वीडियो बनी। और उसके बाद फिर वो मतलब रूम खेलने के बाद फिर वो आए नहीं, वो चले गए, तो उसके बाद की वीडियो है नहीं। तो बस यही आज की वीडियो में थोड़ा सा एक टीडियम है, रूम है, वो आप इंजॉय करें। ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, मैं वॉइस ओवर करूँगा नहीं, बस आप वीडियो देखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। चल खाली दिखा। भैया झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना, आप जान पर क्यों आ रहे हो? जिन बच्चों को देकर तू उछल रहा है ना उन्हीं बच्चों के। ओ सस्ते यूट्यूबर है, सस्ते यूट्यूबर। आ जाओ मुझे बताता हूँ कैसे खेलते। किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर, चाय पिलाकर, भाई अब तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है, परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है तू? तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी? ए होशियारी नहीं, तुझे दो मिनट का टाइम देता हूं, मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बता। बनाता है ना अनिरुद्ध, उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? ले सुन भाई, भवानी मत मार चुका है, अपना निशाना आप ही हो, बच्चों के जरिए आपको मरवाने का फैसला कर लिया है। क्यों रे दो बीवियों के पति, ये तेरी आवाज है या कोई और तेरी मिमिक्री कर रहा है? भैया मैं हाँ कहा था आपने ही शादी को वही राशि विधवा बनाओगे। क्या हुआ भैया? बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तूने, दिल में दर्द होने लगा, रुक जरा। भैया झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना, आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं।
कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठा कर चाय पिलाकर। भैया तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है, परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है रे तू, तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से। ए होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा दे। वो फिल्मों के गाने बनाता है ना अनिरुद्ध, उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? निशाना आप ही हो, बच्चों के जरिए आपको मरवाने का फैसला कर लिया है। क्यों रे, 2 बीवियों के पति, ये तेरी आवाज है या कोई और तेरी मिमिक्री कर रहा है? भैया हाँ कहा था मैं, आपने ही शादी करवाई और आप ही विधवा बनाओगे, क्या हुआ भैया? बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तूने, दिल में दर्द होने लगा, रुक जरा। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा, चल खाली दिखा। भैया झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना, आप जान पर क्यों आ रहे हो? जिन बच्चों को देकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं। कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर चाय पिलाकर। भैया तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है, परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है रे तू, तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। ए होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा। उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? ले सुन भाई, भवानी मन बना चुका है, अगला निशाना आप ही हो, बच्चों के जरिए आपको मरवाने का फैसला कर लिया है। क्यों रे, 2 बीवियों के पति, ये तेरी आवाज है या कोई और तेरी मिमिक्री कर रहा है? भैया हाँ कहा था मैं, आपने ही शादी करवाई और आप ही विधवा बनाओगे, क्या हुआ भैया? बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तूने, दिल में दर्द होने लगा, रुक जरा। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? तुझे तो मैं ही ठोकूंगा,
चल खड़ी दिखा। भैया झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना, आप जान पर क्यों आ रहे हो? जिन बच्चों को देखकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं। उसे बिठा कर चाय पिला कर तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है, परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है तू, तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। होशियारी रहे, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूँ, मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा दे।